हेलो यार, इस समय बज रहे हैं रात के 9 और मैं आ गई फिर किचन में। अभी मेरा मेथी का काम भी नहीं किया मैंने, अभी करना है ये। मैंने एक मिनट दिखाती हूँ आपको, करके आ रही हूँ। मैं आ गई किचन में रात का खाना बनाने के लिए कि क्या बनाने वाली हूँ। अभी बताती हूँ आपको क्या बनाने वाली। हेलो व्यूअर्स, आ गए किचन में। ये देखिए, जो गोभी काटी थी मैंने दोपहर को, और जो गाजर काटी थी मैंने, और जो मैंने ब्रोकली काटी थी, ये तीनों चीज़ें धो के जा रही हैं मिट्टी की हांडी में। ठीक है, मिट्टी की हांडी पे पानी चढ़ा रखा है, ये मग्गा पड़ा है, मग्गे में पानी में डाल डाल के धो देती हूँ, और धो धो के सीधा जाएंगे अंदर। ठीक है, इसको मैं डाल लेती पहले, ये तीनों चीजें डाल लूँ, उसके बाद मैं और जो भी सब्जियां मेरे पास होंगी ना सारी की सारी मैं अभी देखती हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास मेरे ख्याल से वो है चुकंदर भी पड़ा हुआ है, और फलियां भी पड़ी हैं, आलू भी डालूंगी, और टमाटर, प्याज, हरा प्याज, टमाटर, ये सब चीजें डालूंगी, और डाल के मैं बनाने वाली हूँ कुछ। ठीक है, बताती हूँ क्या बना। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए काफी कुछ डल गया है इसमें। एक चम्मच घी डाल दिया, गलती से डाल दिया, वो डालना नहीं था मुझे, और एक चम्मच घी डाला भी, खैर और कुछ नहीं डाला। और आज दोपहर को जो काट पीट की थी याद है आपको, वो सॉरी इसमें से कुछ इसमें डालेंगे धो के, ये जा रहे हैं मग्गे में, इसको भी डालूंगी। मैंने कहा था ना अगर काट के रखे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस इतने से जाएंगे इसके अंदर, इसको धो के डालती हूँ। और इसके अलावा ये देखिए, ये जी सब्जी बहुत सारी जो काटनी है अभी मुझे, घी आँच, और शलगम है, घिया है, लाल बड़ी मिर्च, चुकंदर, और ये शलगम, टमाटर, हरा प्याज, और ये घिया, और ये क्या कहते हैं बंद गोभी, इतनी सारी चीज़ें मैंने भी और काटनी है। आलू भी काटने हैं, दो तीन आलू भी डालूंगी, ये सब काट पीट के धो के डालने हैं उसके अंदर। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, शायद आइडिया लग गया होगा आपको। जी मैं कुछ पर मैं कुछ थोड़ा नया ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, जो पहले सूप बनाती रही ना वो नहीं बना रही, थोड़ा सा उसमें अलग ट्विस्ट आएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखिए मैं क्या बनाती हूँ। और पता नहीं कैसे बनता है, मैं पहली बार बना रही हूँ, बनेगा कैसा वो मुझे नहीं पता, पर ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, काट लेती सारी। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है। ठीक है, अरे बीच में बताओ, ये देखो ये ट्राई किया मैंने। मैंने क्या किया, पहले सूप बना लिया, सूप में जितने मैंने आपको सब्जियां दिखाई थी सारी काट के डाली। ठीक है, जब वो सब्जियां थोड़ी गल गई तो एक तरफ मैंने एक बर्तन में मतलब पानी उबाल के उसमें मैंने मैकरोनी उबाल ली थी, फिर उसको मैंने पानी निकाल दिया, उसको छान लिया, और उसके बाद ये मैकरोनी मैंने इसमें डाल दी है। पहले मैंने ऐसे मैगी ट्राई की थी ना, अब मैं मैकरोनी ट्राई कर रही हूँ कि कैसी लगती है। बाकी इसमें तो डालना ही होता, जब गल जाए तो फिर नमक मिर्च मसाला सब डाला ही था मैंने, और मैंने इसमें थोड़ी सॉस डाली है, और थोड़ा सा मैंने वो डाला है क्या कहते हैं चाट मसाला, बाकी तो नमक मिर्च मसाला तो डालते ही हैं। ठीक है, वो डाल के मैंने बनाई, तो अब देखती हूँ, टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है, पता नहीं कैसी बनी होगी, टेस्ट करके देखती हूँ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे 2-5 मिनट में। हेलो व्यूअर्स, सूप मैंने मैक्रोनी कम सूप या सूप कम मैक्रोनी जो है मैंने टेस्ट करके देख ली, अच्छी बनी है, और जो है ये खाई जा सकती है। जैसे इसमें ना मैंने पहले ट्राई किया था मैगी डाल के, पूरा सूप बना लो, जब पूरा सूप गल जाए अच्छी से सब्जियाँ, उसके बाद उसमें हम मैगी लास्ट में डाल के उसको बॉयल मतलब बना लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैंने आज मैक्रोनी डाल के बनाया है तो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से मैं आगे भी बना लिया करूँगी इस तरह, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं, मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं डाले, बस सॉस ऊपर से थोड़ी सी मैंने वो कर दी है। तो मतलब कि पूरी इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, कुछ कहने की हद नहीं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने बंद गोभी नहीं डाली क्योंकि ये पूरी हंडी भर गई थी सब्जियों से ही, और घिया भी डाला है, बंद गोभी नहीं डाली, बाकी सब कुछ डाला है, चुकंदर भी डाला है जिसकी वजह से रेडिश कलर है। तो ये काफ़ी मतलब इसमें पौष्टिक तत्व है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है, अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है। चलो मिलती हूँ मैं कल आपसे नए मूड के साथ, नए ब्लॉग के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।